और सीहोर जिले की बात करेंगे जहां के बुधनी में BSNL ऑफिस में लंबे समय से आधार केंद्र संचालित किया जा रहा है। ठेकेदार की इस मनमानी से आम जनता बेहद परेशान है। आपको बता दें कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं और अन्य कार्यों में आधार कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिसमें एक निश्चित शुल्क देकर आधार कार्ड बनवाया जाता है, लेकिन आधार केंद्र पर काम करवाने के लिए लोगों से मनमानी राशि वसूल की जा रही है। वहीं BSNL कार्यालय में बनाए आधार केंद्र पर जल्दी काम करवाने के लिए BSNL की सिम लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। सिम ना लेने पर लोगों को आधार कार्ड के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर उन महिलाओं और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आधार कार्ड बनवाने आ रहे हैं। कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये लाया गया है कि BSNL में एक आधार केंद्र संचालित है, जिसमें आधार केंद्र सुधार में आने वालों को अनिवार्य रूप से BSNL की सिम दी जा रही है और पैसा वसूल किया जा रहा है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उनको जल्दी काम कराना होता तो तुरंत BSNL की सिम मिली जाती, वरना 4-5 दिन का टोकन दिया जाता है, उसके बाद वो काम कराए आगे। तो ऐसा कोई लेटर है, अथॉरिटी लेटर मिला है ऊपर से नहीं, कि नहीं, जो जब मेरे अधिकारी लोग हैं वो बोलते हैं तो मुझे करना पड़ता है, मैं तो यहाँ से जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं तो अधिकारी लोग यहाँ पे लोगों की शिकायत है कि पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है यहाँ पर? नहीं सर, जो सिम लेगा तो उसमें वही रहता है। अच्छा, और जो सिम नहीं लेगा तो उससे चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं क्या? नहीं नहीं, चार्जेस नहीं लिया जाता है, बाद में उसको टोकन दिया जाता है, 3-4 दिन बाद आके वो उतने ही समय में बनवाता है और उतने ही चार्ज लगता है बस। रजिस्ट्रेट करवाना है। हाँ हाँ, तो अंगूठा नहीं लग रहा, KYC करवाना है। अच्छा, तो इस पे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट हो जाएगा तो OTP से काम हो जाएगा। तो कितने पैसे मांगे इनके द्वारा यहाँ पर? भैया ने सिम सहित 150 रुपये। सिम सहित 150 रुपये? हाँ। तो ये सिम क्या बोल रहे हैं, कंपलसरी है क्या लेना? भैया हमको मालूम है, हमने बोला तो हमने बोल दिया।